हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बेहतरीन वीडियो में। आज का वीडियो खास करके तीन हीरो वाली फिल्मों पर होने वाली है। दोस्तों, मल्टी स्टारर वाली जितनी फिल्में हैं सभी फिल्में तो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी, लेकिन तीन हीरो वाली जितनी फिल्में हैं वो सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, कई तो ब्लॉकबस्टर बनी थी। तो आइए आज देखते हैं उन्हीं फिल्मों को। दोस्तों, इस लिस्ट पर पहले नंबर पर है वक्त फिल्म। यह फिल्म 30 जुलाई 1965 के दिन पर्दे पर आई थी। राजकुमार, सुनील दत्त, ऋषि कपूर फिल्म के लीड रोल में थे। बजट था फिल्म का लगभग 1 करोड़ का। फिल्म ने दुनिया भर से 6 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। दूसरी फिल्म है यादों की बारात। 9 नवंबर 1973 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। धर्मेंद्र, विजय अरोरा और तारिक खान फिल्म के लीड रोल में थे। बजट था फिल्म का लगभग 1 करोड़ 40 लाख का। फिल्म ने दुनिया भर से 5 करोड़ 50 लाख की कमाई की थी और यह फिल्म हिट थी। तीसरे नंबर पर है अमर अकबर एंथनी। 27 मई 1977 को यह फिल्म रिलीज की गई थी। अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना फिल्म के लीड रोल में नजर आए। बजट था फिल्म का 1 करोड़ का। फिल्म ने दुनिया भर से 50 करोड़ 50 लाख से ज्यादा की कमाई की और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर बनी। नेक्स्ट मूवी है काला पत्थर। 27 अगस्त 1979 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म के लीड रोल में थे। बजट था फिल्म का लगभग 2 करोड़ 30 लाख का। फिल्म ने कमाई की लगभग 6 करोड़ की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। पांचवी फिल्म है नसीब। 20 मार्च 1981 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर फिल्म के लीड रोल में थे। बजट था फिल्म का लगभग 3 करोड़ का। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 11 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। नेक्स्ट मूवी है चश्मे बद्दूर। 8 मई 1981 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। फारूक शेख, राकेश बेदी, रवि बासवानी फिल्म के लीड रोल में थे और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नेक्स्ट मूवी है धर्म कांटा। 13 अगस्त 1982 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। राजकुमार, राजेश खन्ना, जितेंद्र फिल्म के लीड रोल में थे। बजट था फिल्म का लगभग 2 करोड़ का। फिल्म ने कमाई की थी 6 करोड़ की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज थी। नेक्स्ट मूवी है गुलामी। 28 जून 1985 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, नसीरुद्दीन शाह फिल्म के लीड रोल में थे। बजट था फिल्म का लगभग 2 करोड़ 20 लाख का। फिल्म ने दुनिया भर से 8 करोड़ 70 लाख की कमाई की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नेक्स्ट मूवी है कर्मा। 8 अगस्त 1986 को यह फिल्म रिलीज की गई थी। दिलीप कुमार, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नसीरुद्दीन शाह फिल्म के लीड रोल में थे। बजट था फिल्म का लगभग 2 करोड़ 65 लाख का। फिल्म ने कमाई की थी लगभग 13 करोड़ की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। दसवीं फिल्म है दोस्ती दुश्मनी। 31 अक्टूबर 1986 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। जितेंद्र, रजनीकांत, ऋषि कपूर फिल्म के लीड रोल में नजर आए। बजट था फिल्म का लगभग 2 करोड़ 15 लाख का। फिल्म ने दुनिया भर से 3 करोड़ 70 लाख की कमाई की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। ग्यारहवीं फिल्म है लोहा। 23 जनवरी 1987 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, करण कपूर फिल्म के लीड रोल में नजर आए। बजट था फिल्म का 2 करोड़ 5 लाख का। फिल्म ने दुनिया भर से 6 करोड़ की कमाई की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। तीन हीरो वाली फिल्में में अगली फिल्म है हवालात। 26 जून 1987 को यह फिल्म आई थी। शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती, ऋषि कपूर फिल्म के लीड रोल में नजर आए। बजट था फिल्म का लगभग 2 करोड़ का। फिल्म ने दुनिया भर से 2 करोड़ 50 लाख की कमाई की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। नेक्स्ट मूवी है वतन के रखवाले। 14 अगस्त 1987 को यह फिल्म आई थी। सुनील दत्त, धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती फिल्म के लीड रोल में नजर आए। बजट था फिल्म का लगभग 2 करोड़ 5 लाख का। फिल्म ने दुनिया भर से 7 करोड़ के लगभग कमाई की और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नेक्स्ट मूवी है खतरों के खिलाड़ी। 27 मई 1988 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे फिल्म के लीड रोल में नजर आए। बजट था फिल्म का लगभग 2 करोड़ 5 लाख का। फिल्म ने दुनिया भर से 6 करोड़ की कमाई की और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। जीते हैं शान से नेक्स्ट मूवी है। 4 अगस्त 1988 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त, गोविंदा फिल्म के लीड रोल में थे। बजट था फिल्म का लगभग 1 करोड़ 78 लाख का। फिल्म ने दुनिया भर से 7 करोड़ 50 लाख की कमाई की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। नेक्स्ट मूवी है सोने पे सुहागा। 26 अगस्त 1988 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। धर्मेंद्र, जितेंद्र, अनिल कपूर फिल्म के लीड रोल में थे। बजट था फिल्म का लगभग 2 करोड़ 90 लाख का। फिल्म ने दुनिया भर से 5 करोड़ 10 लाख की कमाई की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। त्रिदेव की फिल्म है। 7 जुलाई 1989 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, जैकी श्रॉफ फिल्म के मुख्य किरदार में थे।
पजरता फिल्म का लगभग 2,97,00,000 का फिल्म ने दुनिया भर से 14 करोड़ की कमाई की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। नेक्स्ट मूवी है जहरीले। 25 जनवरी 1990 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। जितेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे फिल्म के लीड रोल में थे। बजट था फिल्म का लगभग 2,18,00,000 का। फिल्म ने दुनिया भर से 2,87,00,000 की कमाई की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। नेक्स्ट मूवी है हम। 1 फरवरी 1991 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, गोविंदा फिल्म के लीड रोल में थे। बजट था फिल्म का लगभग 3,18,00,000 का। फिल्म ने दुनिया भर से 16,80,00,000 की कमाई की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। नेक्स्ट मूवी है विश्वात्मा। 24 जनवरी 1992 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। सनी देओल, नासिरुद्दीन शाह, चंकी पांडे फिल्म के लीड रोल में थे। बजट था फिल्म का लगभग 3,50,00,000 का। फिल्म ने दुनिया भर से लगभग 9,50,00,000 की कमाई की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एबव एवरेज रही। नेक्स्ट मूवी है इंसानियत। 21 मार्च 1994 को यह फिल्म आई थी। अमिताभ बच्चन, सनी देओल, चंकी पांडे फिल्म के मुख्य किरदार में थे। बजट था फिल्म का लगभग 4 करोड़ का और कमाई हुई थी लगभग 10,14,00,000 की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रही। त्रिमूर्ति अगली फिल्म है। 22 दिसंबर 1995 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। अनिल कपूर, शाहरुख खान, जैकी श्रॉफ फिल्म के लीड रोल में थे। बजट था फिल्म का लगभग 10 करोड़ का और कमाई हुई थी 14,49,00,000 की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। नेक्स्ट मूवी है एक था राजा। 12 जनवरी 1996 को फिल्म रिलीज हुई। आदित्य पंचोली, सुनील शेट्टी, सैफ अली खान फिल्म के लीड रोल में थे। बजट था 3,50,00,000 का और कमाई हुई 4,45,00,000 की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। नेक्स्ट मूवी है जंग। 19 अप्रैल 1996 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। अजय देवगन, मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली फिल्म के लीड रोल में थे। बजट था 4,50,00,000 का और कमाई हुई 10,50,00,000 की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। नेक्स्ट मूवी है हम साथ साथ हैं। 5 नवंबर 1999 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। सलमान खान, सैफ अली खान, मोहनीश बहेल फिल्म के लीड रोल में थे। बजट था लगभग 17 करोड़ का और कमाई हुई 80,58,00,000 की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बनी। नेक्स्ट मूवी थी हेरा फेरी। 31 मार्च 2000 को यह फिल्म आई थी। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल फिल्म के लीड रोल में थे। बजट था फिल्म का लगभग 7,50,00,000 का और कमाई हुई 21,42,00,000 की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नेक्स्ट मूवी है दिल चाहता है। 10 अगस्त 2001 को फिल्म रिलीज हुई थी। आमिर खान, अक्षय खन्ना, सैफ अली खान फिल्म के मुख्य किरदार में थे। बजट था फिल्म का लगभग 13 करोड़ का और कमाई हुई 38,65,00,000 की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई। नेक्स्ट मूवी है कभी खुशी कभी गम। 14 दिसंबर 2001 को फिल्म रिलीज हुई थी। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन फिल्म के लीड रोल में थे। बजट था फिल्म का लगभग 40 करोड़ का और कमाई हुई थी 119,29,00,000 की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बनी। नेक्स्ट मूवी है हम किसी से कम नहीं। 31 मई 2002 को फिल्म रिलीज हुई थी। अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, अजय देवगन फिल्म के मुख्य किरदार में थे। बजट था फिल्म का लगभग 19 करोड़ का और कमाई हुई थी 22,80,00,000 की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। एक और फिल्म थी एक और 11। 28 मार्च 2003 को फिल्म रिलीज होती है। अगोविंद दास, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ फिल्म के मुख्य किरदार में थे। बजट था फिल्म का 8,50,00,000 का और कमाई होती 19,24,00,000 की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रही। एक और फिल्म थी युवा। 21 मई 2004 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, विवेक ओबराय फिल्म के मुख्य किरदार में थे। बजट था फिल्म का 11 करोड़ का और कमाई हुई थी 23,37,00,000 की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रही। नेक्स्ट मूवी है धूम। 27 अगस्त 2004 को फिल्म रिलीज हुई थी। जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा फिल्म के लीड रोल में थे। बजट था फिल्म का 11 करोड़ का और कमाई हुई थी 48,83,00,000 की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। नेक्स्ट मूवी थी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। 24 दिसंबर 2004 को फिल्म आई थी। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, बाबी देओल फिल्म के लीड रोल में थे। बजट था फिल्म का 20 करोड़ का और कमाई हुई थी 19,16,00,000 की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। एक और फिल्म आई थी फिर हेरा फेरी। 4 जून 2006 को फिल्म आई। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल फिल्म के मुख्य किरदार में थे। बजट था फिल्म का 18 करोड़ का और कमाई हुई थी 69,13,00,000 की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। नेक्स्ट मूवी है धूम 2। 25 नवंबर 2006 को फिल्म आई थी। ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा फिल्म के लीड रोल में थे। बजट था फिल्म का लगभग 35 करोड़ का और कमाई हुई थी 147,90,00,000 की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बनी। एक और फिल्म थी हे बेबी। 27 अगस्त 2007 को फिल्म रिलीज होती है। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, फरदीन खान फिल्म के लीड रोल में थे। बजट था फिल्म का लगभग 30 करोड़ 83,90,00,000 की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई।
एक और फिल्म आई थी रेस, 21 मार्च 2008 को फिल्में आई थी। सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, अनिल कपूर फिल्म के लीड रोल में नजर आए। बजट था फिल्म का 45 करोड़ का और कमाई हुई थी 103 करोड़ 73 लाख की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। एक और फिल्म है टसन, 25 अप्रैल 2008 को फिल्म रिलीज हुई थी। अक्षय कुमार, अनिल कपूर, सैफ अली खान फिल्म के लीड रोल में थे। बजट था फिल्म का 31 करोड़ का और कमाई हुई थी 51 करोड़ 60 लाख की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। एक और फिल्म है थ्री इडियट्स, 25 दिसंबर 2009 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। आमिर खान, आर माधवन, शर्मन जोशी फिल्म के मुख्य किरदार में थे। बजट था फिल्म का 55 करोड़ का और कमाई हुई थी 460 करोड़ की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। हाउसफुल अगली फिल्म है, 30 अप्रैल 2010 को फिल्में आई। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अर्जुन रामपाल फिल्म के मुख्य किरदार में थे। बजट था फिल्म का 45 करोड़ का और कमाई हुई थी 119 करोड़ की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। एक और फिल्म है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, 15 जुलाई 2011 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। ऋतिक रोशन, अभय देओल, फरहान अख्तर फिल्म के लीड रोल में थे। बजट था फिल्म का लगभग 55 करोड़ का, इन्होंने कमाई की 153 करोड़ 10 लाख की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नेक्स्ट मूवी है धूम 3, 20 दिसंबर 2013 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। आमिर खान, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा फिल्म के लीड रोल में थे। बजट था फिल्म का 175 करोड़ का और कमाई हुई थी 558 करोड़ की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। एक और फिल्म है हाउसफुल 3, 3 जून 2016 को यह फिल्म आई थी। अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख फिल्म के लीड रोल में थे। बजट था फिल्म का 85 करोड़ का, इन्होंने कमाई की लगभग 185 करोड़ 70 लाख की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। एक और फिल्म है रेस 3, 15 जून 2018 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। सलमान खान, अनिल कपूर, बॉबी देओल फिल्म के लीड रोल में थे। बजट था फिल्म का 170 करोड़ का और कमाई हुई थी लगभग 300 करोड़ की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। एक और फिल्म है हाउसफुल 4, 25 अक्टूबर 2019 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल फिल्म के मुख्य किरदार में थे। बजट था फिल्म का 175 करोड़ का और कमाई हुई थी 296 करोड़ की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई।